आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य एवं किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी के नेतृत्व में नगर निगम परिसर से किन्नर समाज का एक बड़ा समूह द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला गया। यह यात्रा टाउन हॉल कचहरी चौक गोलघर गणेश चौराहा होते हुए काली मंदिर पर समाप्त हुई। इस यात्रा का शुभारंभ नगर आयुक्त अविनाश सिंह व उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदन जैन, भाजपा नेता भालू प्रताप मिश्रा, महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा को रवाना किया गया। वहीं नगर आयुक्त के द्वारा महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी को अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी ने बताया कि अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति हम आपके मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव जागृत कर रहे हैं तथा देश की आज़ादी के लिए जिन अमर सपूतों ने अपना बलिदान दिया है उन सबको नमन करते हैं और उनके आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हर घर तिरंगा नारा जन आंदोलन बन गया है। गोरखपुर के इतिहास में किन्नर समाज द्वारा आयोजित विशाल तिरंगा यात्रा में लोगों ने जिस तरह से मेरा हौसला बढ़ाया है उनका मैं सदैव आभारी रहूँगी। इस अवसर पर किन्नर कोमल, नैना, सिंदूर, शिल्पा, सिमरन, रागनी, सूरज, पवन, कृतिका, शिवेन सिंह, लाडो, मधु, सौम्या, रजनीश, कविता, कुमकुम, रंजना, मधु, संध्या सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य एवं महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी ने कहा। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सौम्या मिश्रा को और अगला नाम मैं पुकार रही हूं मधु जी का। तो एक उम्मीद के साथ हम एक जोश के साथ इस गर्मी के होश उड़ाते हुए तिरंगा नहीं होना चाहिए काली मंदिर तक मंदिर कराने के लिए जिन महानायकों ने जिन बलिदानी और हम सबको आजादी के उन बलिदानियों के बारे में बहुत अल्प समय में करने आए आपको मैं मुख्य धारा में अपने आप को जोड़ते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को एक नई ऊंचाई देने का आयाम इस मंच से इस नगर निगम के परिसर से प्रारंभ हो रहा है। ये अनवरत चलना चाहिए, इसमें समर्थन है तो जोरदार तालियां एक बार आप सबके तरफ से। साथ ही जो विद्यालय के भैया बहन आए हैं उनके साथ उनके आचार्य और आचार्य बहन ना तो मीडिया खाना ना होगा तो पर्सनल है पर्सनल नहीं उनके प्यारे करा ऊपर लिंगा पर भेजा ऊपर भाई अरे क्या कर रहे हो आप लोग बाबू बंधु सिंह अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, वीर बैरागी अमर रहे, खुदीराम बोस अमर रहे, भारत माता की, भारत माता की। गाड़ियां भी डिवाइडर बैकअप कर लीजिए, ये गाड़ियां डिवाइडर बैकअप करिए, रास्ता बाधित नहीं करना। एक साइड में एक लेन, दूसरी लेन खाली रखना है। बहुत ही व्यवस्थित, बहुत ही अनुशासित यात्रा महामंडलेश्वर नंदगिरी जी। आजादी के महान लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के अमर
आने वाले लोगों को सुमन और करते हुए अपनी जीवन से कार्यक्रम में सबको जय श्री महाकाल। अमृत महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे पूरे भारतवासियों को, और हम सब एक होकर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। नगर निगम से यात्रा निकलेगी, काली मंदिर पे समापन होगी। झांकी है, संस्कृति है, और हम थर्ड जेंडरों का जो भी नाच गाना सब है, और हम सब समाज को यही कहेंगे हमारे तरफ से, जितने हमारे किन्नर समाज के तरफ से, हमारे समुदाय के तरफ से, कि आप लोग इतना हम लोगों को आगे दिया, इतना प्यार दिया है और इतना सब कुछ दिए हैं, और इसके लिए हम आभारी हैं। और हम लोग जितने में बोर्ड के मेंबर बन चुके हैं, हम लोग गोरखपुर में ऐसा एक जगह है उसी जगह से एक्टिव भी हैं हम। थर्ड जेंडरों के बहुत कुछ काम चल रही है, और नगर निगम से, नगर आयुक्त से भी बहुत सी हम लोगों की जो भी कहते हैं सुन लेते हैं, करें हैं। जितना बड़ा प्रोग्राम निकाला गया सब पे मिलकर, और हमारे साथ सबको ये, जैसे कि सरस्वती विद्या मंदिर से भी बच्चे लोग हैं, और सब जितने गोरखपुर की जनपद के सब हमारे पदाधिकारी अधिकारी सब कोई हमारे साथ में है, बहुत खुशी की बात है। सम्मानित भी किया गया। जी हाँ, नगर आयुक्त सर ने हमें दिलो जान से सम्मानित किया। मेरी सौभाग्य है कि मैं एक थर्ड जेंडर किन्नर होके मंच में आए, हमें अधिकारी ने किया। पहली बार हमें गोरखपुर में इतना अच्छा सम्मान मिलती है, और मैं इस गोरखपुर के आभारी हूँ। गोरक्षनाथ बाबा की नगरी में मैं बहुत खुश हूँ, और बहुत उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ।